भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है, और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली पानी गैस कनेक्शन हो, ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। मुझे आन है साल 2013 जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। क्या मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए? आईआईटी नहीं होना चाहिए? क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है। आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। 4-5 दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास
यहां यूपी में लखनऊ में भी झलक रहा है।